नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अटेंशन के बारे में। अटेंशन यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं अवधान। एक नया टॉपिक है CDP का, जिसको कि आज हम शुरू कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अटेंशन का मतलब क्या होता है। ये अटेंशन वर्ड जो है, ये बहुत ही जाना पहचाना सा वर्ड है और आई होप कि आपने इस शब्द को पहले भी सुना होगा। अटेंशन, अटेंशन का मतलब कई बार हम कहते भी हैं कि पे अटेंशन, मतलब ध्यान दीजिए। तो ध्यान देने का मतलब क्या होता है? आम भाषा में तो ये होता है, आप ध्यान देने का मतलब किसी चीज पर फोकस करना। ठीक है, किसी चीज पर फोकस करना, जैसे पढ़ाई में ध्यान लगाना। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई में होना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आप 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उस 5 घंटे में से आपका ध्यान कहीं और है। तो 5 घंटे आप बेशक पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी है आपकी पढ़ाई में, लेकिन क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन नहीं है पढ़ाई में। लेकिन अगर आप 1 ही घंटे पढ़ते हैं और पूरे 100% अटेंशन के साथ अगर आप पढ़ते हैं घंटे भी, तो आपकी क्वालिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, क्वांटिटी बेशक कम होगी। तो मेरे हिसाब से अटेंशन जो है, जहां पे आप बेशक कम 1 घंटे के लिए ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप फुल अटेंशन फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं और अटेंशन आपको वहां पे बहुत ही कम है। तो अटेंशन का मतलब क्या होता है इन द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी? यहाँ पे अगर मैं अटेंशन की बात करूं, तो अटेंशन का मतलब होता है कि इट्स अ सिलेक्टिव प्रोसेस। क्या है ये? अटेंशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, अटेंशन क्या है? एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। सिलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या हमें हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है? नहीं। हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि भाई हमें किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। मान के चलिए कि आप घर से निकले हैं दूध लेने के लिए और आप मार्केट में घूम रहे हैं, तो मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तो क्या आपको हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत है? नहीं। आपको केवल जो दूध की दुकान है उस पर ध्यान देने की जरूरत है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उन स्टिमुलस पर फोकस करेंगे जो आपके काम की है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस पे ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। अब सिलेक्टिव प्रोसेस समझ गए आप। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन बॉडीली पोस्चर होता है। सर्टेन बॉडीली पोस्चर का क्या मतलब होता है? सर्टेन बॉडीली पोस्चर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो हमारा हमारी जो बॉडी पोस्चर होती है वो एक खास मुद्रा में होती है, ठीक है, और ये वो दिखाती है कि हम किसी चीज पर अपना फोकस कर रहे हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा ना कि कुछ लोग जब ध्यान देते हैं तो अक्सर उनकी आंखें बिल्कुल उसी स्टिमुलस पर फोकस्ड होती हैं, नजरें बिल्कुल वहीं होती है, गर्दन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमती। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या है, इट्स अ सर्टेन बॉडी पोस्चर, कि जब हम अटेंशन देते हैं तो हमारा ध्यान एक खास स्टिमुलस पर होता है और उस दौरान हमारी शरीर की खास मुद्रा होती है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम एक फोकस ऑफ कंसाइंस, फोकस ऑफ कॉन्शियस, कहने का मतलब यह है कि जब आप ध्यान देते हैं तो आपकी चेतना जो होती है वो एक तरीके से केंद्रित होती है, फोकस पे होती है, कि आप कि जिस पर भी ध्यान दे रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेन 3 चीजें शामिल होती हैं जब हम बात करते हैं अटेंशन की। अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, इट इंक्लूड्स सर्टेन बॉडी पोस्चर्स एंड इट हैज फोकस ऑफ कॉन्शियस, मतलब कि एक तरीके से चेतना का केंद्र होता है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पे, ठीक है। तो आप समझ गए, ये मेन कुछ इसके फीचर्स होते हैं। इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसके अलावा भी, कि जो व्यक्ति उस पर ध्यान दे रहा है वो क्या होता है, उस एक तरीके से
प्रेरणादायक होती है, मतलब वो चीज उसके लिए फोकस मोटिवेशन होता है एक तरीके से, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम उस पर फोकस क्यों करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका एक इंटरेस्ट या मोटिवेशन होगा किसी चीज में, तभी आप उस पर फोकस करेंगे। अगर आप आज पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपना अटेंशन दे रहे हैं पढ़ाई पे, तो क्यों दे रहे हैं? एक सामने टारगेट है, एक मोटिवेशन भी है कि आपको जॉब लेनी है, एक नीड भी है, आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है पढ़ाई में। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक तरीके से उसमें जो व्यक्ति अटेंशन दे रहा है उसका एक प्रकार से इंटरेस्ट कह लीजिए आप, इंटरेस्ट होता है या मोटिवेशन हो सकता है उस व्यक्ति का उसमें, ये व्यक्ति को नीड हो सकती है उस चीज की, तभी वो अटेंशन दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप अटेंशन का बेसिक मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, अटेंशन का एक अपोजिट वर्ड होता है, अगर मैं आपसे बोलूं अटेंशन, तो इसका एक अपोजिट वर्ड होता है डिस्ट्रैक्शन। वैसे डिस्ट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्शन का अपोजिट वर्ड होगा, लेकिन हम बात करें कि अटेंशन का भी अपोजिट डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जिस पर फोकस कर रहे हैं उस पर आपका फोकस नहीं होता। ये आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप एक या दो दिन तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे दिन आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहेगा, तो वो क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन है। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप में से बहुत सारे लोग अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया में बिता देते होंगे, या आप सोचते होंगे कि आज मेरा फ्री टाइम है तो हम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करके अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पे बिता रहे होते हैं। तो वो एक तरीके से क्या है? डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये आपका अटेंशन खत्म कर रहा है पढ़ाई में। इसी प्रकार से और भी सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स अगर आपके आ जाते हैं कई बार तो वो पढ़ने नहीं देते, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दोस्त भी हो सकते हैं कई बार डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, हालांकि हमेशा नहीं होते, लेकिन कभी कभी आपका मान लीजिए पढ़ाई में मन है लेकिन दोस्तों का फोन आ गया कि चलो घूमने चलते हैं, और आपने कहा ठीक है यार बाद में पढ़ लेंगे, तो इस तरीके से हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट मूवी आ रही है, तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हमें, हमारे अटेंशन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप डिस्ट्रैक्शन और अटेंशन समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स की, कि भाई अटेंशन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेनली तीन तरीके के अटेंशन होते हैं। नंबर एक, वॉलेंट्री। ठीक है, नंबर टू, इनवॉलेंट्री। एंड द लास्ट इज हैबिचुअल। तो तीन टाइप्स के होते हैं अटेंशन, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, और एक होता है हैबिचुअल। इन तीनों टाइप्स को अभी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेंट्री अटेंशन की। वॉलेंट्री अटेंशन मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जिसमें हमारी इच्छा होती है, हम खुद उस चीज को सीखना चाहते हैं। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप मोटिवेटेड हैं, या आपको नीड है उस चीज की, तो आप वॉलेंटरली अटेंशन देंगे। जैसे आज के समय में अभी आपके लिए क्या नीड है? सीटेट का एग्जाम क्लियर करना। तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप अटेंशन देंगे पढ़ाई में, पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। तो ये हो गया वॉलेंटरी का एग्जाम्पल। इनवॉलेंटरी का क्या होता है? इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि जिस चीज पे आपका ध्यान जा रहा है, आप उस पर अपना ध्यान लगाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी चला जा रहा है बिना आपके चाहते हुए भी। ये इनवॉलेंटरी का एग्जाम्पल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कि मान के चलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, और अचानक से मान के चलिए कि आपके आसपास कोई अचानक से तेज आवाज हो जाए, ठीक है, या दो लोगों में झगड़ा हो जाए, तो आपका ध्यान क्या है? यहां से हटेगा और वहां जाएगा। हालांकि आपका, आप चाह नहीं रहे थे कि आपका ध्यान वहां जाए, लेकिन क्योंकि वो स्टिमुलस इतना तेज था, इतना तीव्र था, इंटेंस था, कि आपका ध्यान वहां चला गया। तो यहां पे ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान किसी स्टिमुलस पे चला जाता है, तो इनवॉलेंटरी का एग्जांपल है।
इसी प्रकार से लास्ट होता है थर्ड हैबिचुअल। हैबिचुअल में क्या होता है कि भाई आदत लग जाती है हमें। आदत कैसे लग जाती है उसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो पान खाता है। अब पान खाने वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि जब भी वो बाहर निकलेगा तो उसका उसका ध्यान कहाँ जाएगा, अक्सर पान की दुकान पे। वो इधर उधर गर्दन घुमा के सबसे पहले पान की दुकान ही ढूंढेगा, या अगर कोई गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है तो उसका दुकान उसका ध्यान कहाँ जाएगा, उसका ध्यान जाएगा कि भाई कोई खोखा मिल जाए, खोखा इन द सेंस जहाँ पे तंबाकू या सिगरेट बिकता है, ठीक है, तो वहां पे उसका ध्यान जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया हैबिचुअल अटेंशन का। आई होप आप समझ पाए होंगे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड हैबिचुअल का। तो ये तीनों इसके टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं मेन पार्ट इसका जो कि है डिटरमिनेंट्स, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि अटेंशन को अफेक्ट करती हैं या उस पर प्रभाव डालती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं कुछ डिटरमिनेंट्स की। देखिए डिटरमिनेंट्स ना दो तरीके के होंगे, ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, इन दोनों की हम बात करेंगे, दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारी ऐसी चीजें जो कि बाहर है। बाहर किससे? उस व्यक्ति से बाहर है जो ध्यान दे रहा है। मान के चलिए कि मैं ही हूं, अगर मैं ध्यान दे रहा हूं किसी चीज पे, तो मेरे लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होंगे, मुझे छोड़ के बाहर की जो भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस पे फोकस कर रहा हूं वो कैसी है, किस तरह की है, कितने पीरियड के लिए है वो, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, बाकी स्टिमुलस कैसे हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल में आ जाएंगे। और इंटरनल का मतलब क्या है, ये बिल्कुल मुझसे जुड़ी है, मतलब मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, मेरी हैबिट है या नहीं उस चीज को देखने की, या मेरे को उसकी नीड है या नहीं। मतलब इंटरनल का मतलब मुझसे संबंधित हो गया, और एक्सटर्नल का मतलब जो सामने स्टिमुलस है जिसपे मेरा ध्यान जा रहा है उससे संबंधित हो गया। तो एक एक करके हम डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि तय करते हैं कि भाई ये अटेंशन हमारा उस पर कैसा रहेगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी तो मैंने जैसा कि अभी भी डिस्कस किया कि हमारा जिस पे फोकस है, जिस पे अटेंशन है, वो कितना इंटेंस है, ये बहुत मैटर करता है। अब ये कैसे मैटर करता है, जैसे कि अभी मान के चलिए वही एग्जांपल ले लीजिए, ये दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि मान के चलिए आप रेडियो सुन रहे हैं और रेडियो सुनते सुनते अचानक से लाउड स्पीकर पे कुछ बजने लग जाए, तो लाउड स्पीकर का जो साउंड है वो ज्यादा इंटेंस है बजाय रेडियो के, तो उस केस में आपका अटेंशन कहां चला जाएगा, आपका अटेंशन चला जाएगा लाउड स्पीकर पे। तो ये एग्जांपल हो गया इंटेंसिटी का, ठीक है, पहला। दूसरा चेंज, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे स्टिमुलस से रिलेटेड हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं स्टिमुलस, ठीक है। तो इंटेंसिटी हो गया, दूसरा हो गया चेंज। चेंज का मतलब क्या है, ये स्टिमुलस कैसे चेंज हो रहा है। अब स्टिमुलस दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो इसमें सडन चेंज होगा मतलब अचानक से ही, और दूसरा होता है ग्रेजुअल। सडन और ग्रेजुअल चेंजेस में क्या होते हैं, इसका बहुत अफेक्ट पड़ता है हमारे अटेंशन पे। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए सडन का मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज चेंज हो गई। मान के चलिए गाना बज रहा था रेडियो पे और बजते बजते अचानक से बंद हो गया, तो ये सडन चेंज हुआ ना, तो हमारा ध्यान जाएगा कि अरे रेडियो कैसे बंद हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल हो गया सडन चेंज का। दूसरा है ग्रेजुअल चेंज। अगर ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे कोई चीज चेंज हो रही है, तो हमारा अटेंशन उस पर नहीं जाता। जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा है, जब हम बात करें कोई बच्चा एक साल से लेके दो साल के बीच जो भी उसमें डेवलपमेंट होते हैं, जो भी उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, हमें पता है कि उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, लेकिन ये इतना ग्रेजुअल होता है कि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, हमारा अटेंशन ही नहीं जाता उस पे। और यही अगर सडन होता कि भाई आज मान के चलिए छोटा सा बच्चा और अगले दिन ही बड़ा हो गया, तो हम कहते भाई ये तो सडन चेंज हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो आपने देख लिया
चेंजेस में सडन एंड ग्रेजुअल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड या मूवमेंट, मूवमेंट कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए, स्पीड या मूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टिमुलस जिनमें स्पीड होती है या जिसमें मूवमेंट होती है इन पर हमारा अटेंशन ज्यादा जाता है, बल्कि ऐसी चीजें जो बिल्कुल शांत एकदम एक जगह खड़ी हैं उन पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि मान लिया आप सड़कों पे चल रहे हो, तो सड़कों पे बहुत सारी स्कूटी या बाइक खड़ी रहती है साइड में, या कारें खड़ी रहती है, हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता, लेकिन सड़क पे जो स्कूटी बाइक चलती है हमारा ध्यान उन पे जरूर जाता है कि भाई हमें टक्कर ना मार दे, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया स्पीड एंड मूवमेंट का। आई होप आप ये समझ पाए होंगे, इसमें अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे स्टिमुलस जो बार बार आपके सामने आते हैं ऐसे स्टिमुलस पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो हमारे सामने बार बार नहीं होती उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसीलिए अक्सर टीचर क्या करते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है, आप टीचर चाहते हैं कि आपका ध्यान उस पर जाए, तो बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे आपके सामने, लेकिन अगर वो चीज ऐसे ही है तो उसको एक ही बार में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोई चीज ऐसी इस पे ध्यान भी ज्यादा जाना चाहिए, फोकस होना चाहिए, उसको बार बार अच्छे से बताया जाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रिपीटिशन का। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है साइज। साइज का मतलब क्या है कि स्टिमुलस का साइज कैसा है। ऐसी चीजें जो छोटी होती है उस पर अक्सर हमारा ध्यान कम जाता है, और ऐसी चीजें जो बड़ी होती है उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है ना। जैसे अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में जो लेटर्स लिखे होते हैं बड़े बड़े उन पे हमारा ध्यान जल्दी जाएगा, और जो छोटे में होती है न्यूज उन पे हमारा ध्यान कम जाता है। तो एक एग्जांपल है साइज का। नेक्स्ट इज न्यू और ओल्ड। कोई स्टिमुलस न्यू है या ओल्ड है ये भी बहुत मैटर करता है हमारे अटेंशन के लिए। ऐसी चीजें जो अक्सर नई होती हैं उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है, और ऐसी चीजें जो मतलब पुरानी हो जाती हैं उन पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए कोई पुस्तक है, उसको आपने पढ़ी एक बार, वो पुरानी हो गई, अब आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसी का कोई नया वर्जन आ जाए, कोई मतलब नया नहीं नया पार्ट आ जाए, तो आप फिर उस पर ध्यान देंगे कि हाँ अब नेक्स्ट पार्ट भी आया है इसका, मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो न्यू एंड ओल्ड ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका कि आपका अटेंशन जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टिमुलस जो कि आइसोलेटेड होते हैं उस पर हमारा फोकस जल्दी जाता है, हमारा ध्यान जल्दी जाता है, और ऐसे स्टिमुलस जो कि बाकी के साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उन पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए आपने देखा भी होगा कि अगर क्लासरूम में बच्चे एक तरफ बैठे होते हैं, टीचर एक तरफ होता है, तो सभी बच्चों का ध्यान टीचर पे क्यों होता है, क्योंकि वो अलग है सबसे, सामने आके खड़ा होकर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, ठीक है। इसीलिए वो उस पर सबका ध्यान होता है, फोकस होता है। तो ये एग्जाम्पल है आइसोलेशन का कि भाई स्टिमुलस क्या है, आइसोलेट है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज नेक्स्ट एंड द लास्ट। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि ऐसे स्टिमुलस, दो ऐसे स्टिमुलस जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, या कोई ऐसा स्टिमुलस जो बाकी स्टिमुलस से बिल्कुल अपोजिट है, वो एग्जाम्पल होगा कॉन्ट्रास्ट का। ऐसी चीजों पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है ना। मान के चलिए कि आपके सामने किसी रेड कलर के चार्ट पे रेड कलर से ही कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे मान के चलिए रेड कलर का चार्ट है और उस पर रेड कलर से ही लिखा हुआ है, यानी कि कलर जो लिखा हुआ है, जो फॉन्ट्स का कलर है वो भी रेड है, और जो चार्ट पेपर है वो भी रेड है,
आपका ध्यान जाएगा इस पे, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर हो जाए, है ना, मान के चलिए व्हाइट चार्ट है और ब्लैक से इस पे कुछ लिखा जाए, व्हाइट चार्ट है ब्लैक से इस पे कुछ लिखा जाए, तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे, आपको दिखाई देगा बिल्कुल, आपका फोकस जाएगा इस पे। क्यों? क्योंकि एग्जांपल हो गए कॉन्ट्रास्ट का कि भाई बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तभी तो आपका ध्यान इस पे जा पाएगा। अगर ये बिल्कुल ऐसा मतलब बिल्कुल इससे मैच कर जाता कलर, तो आपका ध्यान इस पे नहीं जाता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अटेंशन पर अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनल पे। इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं, सबसे पहला तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ऐसे सभी चीजें जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। जिसमें हमारा इंटरेस्टिंग है उसमें हमारा ध्यान क्यों जाएगा, है ना भाई? आपका ध्यान है कि अगर आप बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं तो बॉलीवुड से रिलेटेड जितने भी न्यूज होंगी, जितने भी चीजें होंगी, उस पर आपका ध्यान जरूर जाएगा। या अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज के समय में सीटेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है, कुछ भी होती है, तो उस पर आपका ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट है आपका इसमें, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हो गया इंटरेस्ट का। नेक्स्ट हैबिट, आपके जो हैबिट्स होते हैं उसके बेसिस पे आपका अटेंशन भी जाता है। वही पान वाला एग्जाम्पल हम फिर से ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पान खाता है तो उसका ध्यान अक्सर ऐसी चीजों पे जाएगा, ऐसे दुकान पे जाएगा जहां पे पान दिखती है, या वो पान की दुकान ढूंढेगा। या अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मार्केट में अगर कोई नई बुक आपको दिख जाए सीटेट की, तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा उस पे, ठीक है? क्योंकि ये हैबिट का भी एग्जांपल है, इंटरेस्ट का भी एग्जांपल है, ठीक है? आपको पढ़ने की हैबिट है तो नई नई किताबों पे आपका, जो भी नई किताब होती है, इंटरेस्टिंग बुक्स होती है, उन पे आपका ध्यान जाता है। तो एग्जांपल हो जाएगा हैबिट का। इसी प्रकार नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। जिन चीजों में आपकी क्यूरियोसिटी होती है, आपकी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, उन पे आपका ध्यान जाता है, और जिन चीजों में नहीं होती उसमें आप इंटरेस्ट भी नहीं लेते और आपका ध्यान भी उसमें नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका इंटरेस्ट है, आप जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी है ना, वाइल्ड लाइफ में आपकी क्यूरियोसिटी है, तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसके बारे में आप और जानने की कोशिश करेंगे, आपका अटेंशन उन चीजों पे जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज का मतलब समझ पाते हैं तो हमारा ध्यान उस पर जाता है, जब हम मतलब ही नहीं समझते तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। जैसे मान के चलिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं समझते और कोई सामने खड़ा होकर आपको इंग्लिश में कुछ समझा रहा है, तो आपको क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा तो आपका टेंशन भी नहीं होगा, आपको बोरिंग फील होगा। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी समझते हैं और मैं हिंदी में ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये कुछ हमने फैक्टर्स डिस्कस किए। इसके अलावा नेक्स्ट जैसा कि हमने बात किया वो है नीड। नीड, नीड मतलब क्या है कि हमें किन चीजों की जरूरत होती है, जिनकी हमें जरूरत होती है उस पर हमारा ध्यान रहता है, जिन पर जरूरत नहीं होती उस पर ध्यान नहीं होता। आज के समय में आपको जरूरत है जॉब की, इसीलिए तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर होगा तब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके नौकरी ले पाएंगे। तो क्योंकि आपको नीड है इसीलिए आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है और आप अपना अटेंशन यहाँ पे दे पा रहे हैं। अगर ये सब चीज नहीं होती तो आपका आप ये अभी यहाँ पे ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एटीट्यूड। जिन चीजों को लेकर के आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उस पर आपका ध्यान होता है, है ना? मान के चलिए अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैथ्स को लेकर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो मैथ्स रिलेटेड चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। वहीं जिन चीजों को लेकर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, आपको चीजें पसंद ही नहीं है, तो उन चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया, अटेंशन से रिलेटेड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप अटेंशन समझ चुके होंगे कि अटेंशन क्या होता है। अटेंशन का मतलब ये है कि हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं वो सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, एक कुछ खास तरह का बॉडीली पोस्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अटेंशन देते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे अटेंशन का मतलब। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।